हेलो लिटिल स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। स्वागत है आप सभी का, वेलकम है आप सभी का डेवलप पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे क्लास फिफ्थ RBSC चैप्टर नंबर फिफ्थ, जिसका टाइटल था लेट्स प्ले गेम्स, चलो खेल खेलें, आओ खेल खेलें। इसको लेकर के कुछ वीडियो हमने कवर कर लिए थे। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका नंबर फोर, लेक्चर नंबर फोर रहेगा आज का। इसमें हम जानेंगे इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट। हम किसके बारे में बात करेंगे आज? आज हम बात करेंगे श्वास दर में वृद्धि, जो श्वसन दर होती है आपकी, जब आप सांस लेते हैं, O2 लेते हैं, CO2 आप बाहर निकालते हैं इनहेल्ड, और जब एक्सहेल्ड करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कैसे उसमें इंक्रीज हो जाता है ब्रीदिंग रेट के अंदर, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लिटिल चैंप्स, बढ़ते हैं आगे। देखें क्या कहता है, कहता है कि वी हैव टू रन जंप व्हेन वी प्ले एनी गेम व्हेन वी रन वेरी फास्ट देन आवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। कहता है जब हम रन करते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, उछलते हैं, वेन वी प्ले एनी गेम, जब हम कोई भी खेल खेलते हैं, जाहिर सी बात है प्ले करते हैं कोई भी गेम, तो हम दौड़ते भी हैं और उछलते भी हैं, तो क्या होता है वेन वी रन वेरी फास्ट, या जब हम दौड़ते हैं वेरी फास्ट, बहुत तेज, जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं देन आवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, तब हमारी जो श्वास दर है, श्वास दर क्या होती है, ब्रीदिंग रेट क्या होती है, सांस लेने की और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, आप ले रहे हैं नाक के द्वारा सांस, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसको ब्रीदिंग रेट बोला गया, तो उसमें इंक्रीज हो जाती है। जाहिर सी बात आपने महसूस किया होगा, आप कभी रेस करते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, तो आपकी जो सांस लेने और छोड़ने की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है, उसमें इंक्रीज आ जाता है। ओके, अब देखें आगे, तो क्यों आ जाता है, क्या रीज़न है, वो थोड़ा सा आपको इसको यहाँ पर डिफाइन करता है। सिट रिलैक्स एंड ब्रीदिंग नॉर्मली, ब्रीद नॉर्मली, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, आरामदायक स्थिति में बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाइए, सिट बैठ जाइए रिलैक्स होकर के, एंड ब्रीद नॉर्मली, और नॉर्मली सामान्य जो सांस लीजिए आप, जैसा कि आप जैसे मान लीजिए आप ना भग रहे हैं, ना खेल, ना कूद, और आराम से बैठे, तो उसमें आपकी जो ब्रीदिंग रेट है उसके अकॉर्डिंग आप सांस लीजिए आराम से बैठ करके। प्लेस योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ द नोस्ट्रिल, जो आपका नाक का जो आगे वाला जो हिस्सा होता है, नासिका, जो सामने जो दोनों हिस्से होते हैं, तो प्लेस योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ द नोस्ट्रिल एंड फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल एयर। अपने जो उंगली, आपकी जो उंगलियां हैं उनको कहाँ पर ले जाएं, फ्रंट ऑफ नोस्ट्रिल, आपकी जो नासिका है, नाक आगे वाला जो भाग है, उसके सामने ले जाएं बिल्कुल, और वीडियो देखते समय, वीडियो सुनते समय ऐसा मत करने लग जाना, बाद में आराम से पॉज करके करना, पहले इसको देखें, ध्यान से पढ़ें, कभी अभी लग जाएं आप सुनते समय, नोस्ट्रिल के सामने हाथ को ले जाएं एंड फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड क्या होता है, सांस लेना, सांस खींचना, एंड एक्सहेल्ड क्या होता है, सांस छोड़ना। अब क्या करेंगे आप, अपने हाथ को आप सामने लेके, अपने फिंगर्स को सामने लेके, नोस्ट्रिल के सामने लेके, और फील करिए, महसूस करिए, इनहेल्ड करिए, सांस अंदर खींचिए, एंड फिर एक्सहेल्ड करिए एयर को, फिर हवा को, आप श्वास को बाहर छोड़िए, तो आप महसूस करेंगे, आप उंगलियों से देखेंगे सांस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। नाउ जंप एट योर प्लेस 10 times, तो आपका जो सांस था आराम से बैठ करके, सांस अंदर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड की जो सांस की जो प्रोसेस था वो बहुत आराम से हो रही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जंप करना एट योर प्लेस 10 to 12 times। अब आप जहाँ पर बैठे थे आराम से रिलैक्स होकर के वहाँ खड़े हुई और 10 से 12 बार आप वहाँ पर जंप करिए, अपने स्थान पर उछलिए, फिर बैठिए, फिर उछलिए, फिर बैठिए, देन फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर अगेन, और फिर दोबारा से आप अपने नोस्ट्रिल के सामने फ्रंट में आप अपने फिंगर्स को लेके जाइए और फिर दोबारा से फील करिए कि इनहेल्ड और एक्सहेल्ड की जो प्रोसेस था एयर का वो क्या तेज होगा, या जैसे पहले आप आराम से बैठे थे बगैर जंप किए वैसे ही रहेगा, क्या चेंज आएगा उसके अंदर, तो जाहिर सी बात उसके अंदर चेंज आएगा, वो जो ब्रीदिंग के जो रेट है उसमें इंक्रीजिंग आ जाएगी। व्हाट डू रियलाइज, आपने क्या महसूस किया, इन विच कंडीशन द एयर यू ब्रीद इज स्लाइटली हॉट एंड व्हेन इट इज इट कोल्ड, तो कहता है आपने क्या महसूस किया, इन विच कंडीशन, कौन सी स्थिति में, जब आप बैठे थे आराम से उस स्थिति में, या आपने जो जंप कर लिए 10-12 उसके बाद वाली स्थिति में,
जो एयर है जो आप ब्रीद में ले रहे हैं, श्वास में ले रहे हैं, इज स्लाइटली हॉट, वो स्लाइटली हल्की सी गर्म हो जाएगी। एंड वेन इज इट कोल्ड, और वो कब ठंडी होगी, तो आपको ये महसूस करना है। तो जाहिर सी बात है जब हमारी ब्रीदिंग रेट है वो प्लस होगी, तो उसमें हमारी जो एयर है नोस्टल के थ्रू जो हम अंदर इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं वो गर्म हो जाएगी, और जैसे जैसे हम हमारी जो बॉडी है जो रिलैक्स में मूड में आएगी, तो धीरे धीरे हमारी जो वो एयर है वो भी ठंडी हो जाएगी। आगे मूव करते हैं, आप करके देखें, देखें आगे क्या कहता है। ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ 3-4 टाइम्स इन एन एम्प्टी ग्लास और एन मिरर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। कहता है आपको क्या करना है, 3-4 बार एम्प्टी को खाली ग्लास लेना है, एम्प्टी ग्लास लेना है कांच का, उसमें या कोई मिरर के सामने आप उसको 3-4 बार उसमें फूंक मारिए। तो आप फूंक मारेंगे, हवा छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है वो थोड़ा ब्लरी हो जाएगा, धुंधलापन आ जाएगा कांच के ग्लास के ऊपर। जैसे आपने कई बार आप करते हुए किसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो उसके शीशे पर आप करते हैं, या आप आपके जो आपका ड्रेसिंग जो मिरर होता है उसके सामने भी आप करते हैं, मुझे खूब पता है, जाहिर सी बात है। यू मस्ट हैव सीन दैट समटाइम्स द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम्स ब्लर्ड। देखो वही बात जो मैं बता रहा था आपको, तो आपने क्या देखा, आपने कई बार देखा होगा कि जो ग्लास एंड जो मिरर है, जो दर्पण है, कांच है, उसकी जो सरफेस है, परत है, वो कैसी होगी, ब्लर्ड होगी, थोड़ी धुंधली होगी। दिस इज़ बिकॉज देर इज और ये क्यों हुई धुंधली, कारण क्या है, तो वो बताता है इसके पीछे कारण का, क्योंकि देर इज मॉइस्चर इन आवर ब्रीथ। हमारी श्वास में क्या है, मॉइस्चर, मॉइस्चर नमी, नमी हवा में पानी की मात्रा मिक्स हो जाना, विच कंडेंसेस ऑन द कूल सरफेस, जो कंडेंसेंस हो जाता है, जम जाता है किसके ऊपर, जो सरफेस होती है ठंडी, जो परत होती है उसके ऊपर आसानी से जम जाता है। जब हम फूंक मारा उसमें तो ठंडी हुई ऊपर, तो उसके ऊपर जाकर के वो जो मॉइस्चर था वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया, जम गया। वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़ बाई ब्लोइंग एयर, तो इस तरह से हम फूंक मार करके हवा को चला करके बहुत सी गतिविधियाँ कर सकते हैं, ब्लोइंग बहती हुई हवा। ओके स्टूडेंट्स, आगे आपको कुछ करने के लिए बताया गया, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपके लिए ऐसे फिक्स जो है 5.3, इसमें देखो एक जो आप देख रहे हैं फ्लूट जो है बांसुरी, वो ब्लेड की जा रही, बजाई जा रही बाई ब्लोइंग एयर इन इट, उसमें फूंक मार करके बांसुरी बजाई। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आप ब्लोइंग एयर के थ्रू एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो ये आपको खुद को पढ़ना है, समझना है इसमें क्या बता रखा है। वेदर फायर कैन बी लिट अप हायर बाई ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ, और वेदर फायर कैन बी पुट आउट बाई ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। तो ये जो सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से पूछ करके, ये काम की चीज़ें हैं नहीं, तो आपको एक्टिविटी जो आपके लिए हजार हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, आपको नहीं करना। आगे देखिए क्या कहता है, और इस तरह से ये आपके जो ब्रीथिंग जो रेट थी उसमें इंक्रीज को लेकर के वीडियो रहा, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, कोई भी क्यूरीज या सजेशन हो, यू मस्ट हैव एनी क्यूरीज एंड सजेशन, तो पूछिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन के थ्रू। मिलते हैं कल से फिर आपके लिए एक नए वीडियो को लेकर के इसी चैप्टर को, तब तक के लिए गुड बाय।